हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की बुक क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी के सॉल्यूशंस चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर नेम संसाधन। तो इधर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई जहाज, सॉरी हवाई अड्डा। इसका आंसर है भूमि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। उत्तर है हवाई जहाज। केरल में पाई जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन है निजी, नवीकरणीय, संभाव्य, अनवीकरणीय। उत्तर है संभाव्य। चौथा प्रश्न है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। आंसर है ज्ञान। दूसरे प्रश्न की तरह चलते हैं, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों में पूरा करें, उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के लिए मूल्य की अभियुक्ति डैश प्रकार से की जाती है? इसका आंसर है विविध। सेकंड क्वेश्चन है, डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है? इसका आंसर है मानव। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक। चौथा क्वेश्चन है, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है दिमागी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। इसका पहला क्वेश्चन है, संसाधन की परिभाषा दें। उत्तर, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संसाधन का वर्गीकरण करें। इसका उत्तर है, तो गाइस इसका आंसर यहाँ पे है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है तो इसको लिख नहीं सकते थे पीडीएफ में, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखें। उत्तर है, नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणों एवं पवन। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। उत्तर है, जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं, यदि इन संसाधन के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लाए लग जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। इसका पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। उत्तर है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त सभी उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। उत्तर है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संसाधन पश्चिम एशिया एवं पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का आवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा, संभाव्य संसाधन केरल में मिलने वाले थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन पेड़ पौधे वन जीव जंतु, अजैव संसाधन खनिज चट्टान मिट्टी भूमि खेत तालाब नदी झील। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन सूर्य की किरणें एवं पवन, अनवीकरणीय संसाधन लोहा कोयला पेट्रोलियम आवरक। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को चार भागों में बांटा गया, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन मिट्टी पवन, स्थानिक संसाधन कोडरमा में पाया जाने वाला आवरक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नगर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला। सर्वमृत्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन भूमि तालाब, राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट के दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन खुला महासागर का क्षेत्र। तो ये आंसर यहीं पे फिनिश होता है। और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में मरुस्थल में पड़े बालू वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं ठन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इसका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। मानव जीवन सतह चलता रहे इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करें। तो दोस्तों, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे फिनिश होता है, चैप्टर संसाधन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास टेन तक
किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सॉल्यूशन अगर जानना है तो आप हमें सजेशन भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सजेशन को सुनी जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।